Hello students, in this video we'll discuss chapter number five, the police and the courts. सो so स्टूडेंट ये जो चैप्टर है स्टार्ट होता है दीक्षा शर्मा से जो कि रहती हैं शालीमार गार्डन न्यू दिल्ली में एक बार जब ये मूवी देखने गई होती हैं तो इनके घर में हो जाती है चोरी ठीक है अभी जो चोरी है रॉबरी है ये आप लोग पहली बार नहीं सुन रहे हैं बच्चा हर बच्चे ने साउथ इंडिया या क्राइम पेट्रोल या सूर्या सिंघम या सिंघम मूवी देखी होगी तो ही इज़ वेरी वेल नोइंग अबाउट द वर्किंग ऑफ़ द पुलिस द ड्रेस ऑफ द पुलिस द पावर दे हैव एवरी यू आर नोइंग ना नहीं देखा है तो एक बार सूर्या सिंगम तो जरूर देखनी चाहिए तुम लोगों को ठीक है चलो तो दीक्षा शर्मा जी के घर में हो जाती है चोरी क्योंकि वो देखने गई होती है मूवी अब जब घर आती हैं तो देखती हैं उनका जो मेन डोर है वो ओपन है उनके घर से ज्वेलरी मनी जितने भी वैल्यू वैल्यूएबल थिंग्स थे वो सब मिसिंग है अब दीक्षा कहाँ जाएगी बच्चा ये तो ये एक ले भी बता देगा कोई भी बता देगा कि आप दीक्षा कहाँ जाएगी उसके घर में चोरी हुई है तो पुलिस स्टेशन अब वो पुलिस स्टेशन जाएगी और पुलिस स्टेशन में फाइल करेगी एफ आई आर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस फिर केस को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देगी कर देगी ना फिर वो लोग पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं आप लोगों ने देखा होगा ना वैसे तो मैं सावधान इंडिया बहुत ज़्यादा देखती हूँ तो उसमें तो कॉल रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं फिर एक पूरी वो आती है क्या फॉरेंसिक वाले वो देखते हैं कि कहीं कोई सुराग तो नहीं छोड़ा है किसने जो चोरी करने आया था उसने तो ऐसे ही कुछ 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 करती है पुलिस पुलिस ने स्टार्ट किया इन्वेस्टिगेट करना केस को उसने क्वेश्चन पूछे नेबर से ऐसा भी सावधान इंडिया में भी देखा है मैंने वो नेबर से बहुत सारी खबरें निकलवाते हैं उनके जो खबरी होते हैं लोकल एरियाज़ में उससे भी बहुत सारी खबर लेते हैं तो उन्होंने दिशा के नेबर्स को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया नेबर्स को मतलब पड़ोसियों को और जो आसपास में जो लोग रहते थे उनको भी क्वेश्चन किया कुछ दिनों बाद जो रॉबर था वो पकड़ा गया डाकू चोर पकड़ा गया रॉबर मतलब डाकू होता है मतलब चोरी करने वाला जो भी कोई है काट मतलब होता है पकड़ा गया पुलिस ने फिर चार्जशीट फाइल की फिर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश की और फिर बाद में कोर्ट एंड देन द केस वॉज प्रजेंटेड बिफोर द जज और इस तरीके से जज के सामने को, कोर्ट के सामने हमने उस केस को रिप्रजेंट कर दिया प्रेजेंट कर दिया है ना चलो अब भैया पुलिस का काम क्या होता है तो बच्चा जो पार्लियामेंट है हमारी वो लॉ बनाने का काम करती है अब बच्चा लॉ बना के रख देने से कुछ होता है क्या नहीं ना उन लॉ को प्रॉपरली फॉलो भी कराना है उनको प्रॉपर्ली एनफोर्स भी कराना है तो उनको एनफोर्स कराने के लिए वेरियस एजेंसीज़ आर देयर इन इंडिया विच इज़ वर्किंग फ़ॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लॉज तो उनमें से एक एजेंसी है हमारी पुलिस सो ओ स्टूडेंट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट नीड टू भी इनफोर्स प्रॉपर्ली एंड इफेक्टिवली जितने भी नियम बने हैं उनको प्रॉपरली इफेक्टिवलीफोर्स कराना किसकी रिस्पॉसिबिलिटी पुलिस की पुलिस की नहीं मतलब बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक उसमें से पुलिस भी है दिस लॉ एन्फोर्समेंट इज़ डन थ्रू वेरियस एजेंसी लॉ एन्फोर्समेंट बहुत सारी एजेंसीज करवाती हैं पुलिस उसका एक प्राइमरी सोर्स है या प्राइमरी एजेंसी है प्राइमरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है हमारी पुलिस पुलिस रिस्पॉन्सिबल होती है पुलिस की क्या क्या, क्या काम होते हैं बच्चा पहली बात तो क्राइम को रोकना मतलब कोई भी जो गुनाह हो रहा है उसको रोकना फिर इन्वेस्टिगेट द क्राइम उस गुनाह को उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना पहला काम है पुलिस का क्राइम होने से रोकना देखो क्राइम होना ही नहीं चाहिए फिर अगर क्राइम हो गया है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना क्या करना उसको इन्वेस्टिगेट ठीक है बात एंड अप होल्डिंग द लॉ ये तीन काम करेगी हमारी पुलिस ना हरारकी ऑफ़ द पुलिस देखो अब हरारकी ऑफ़ पुलिस की अगर हम बात करें बचा तो हर डिस्ट्रिक्ट को फाइव और सिक्स सब डिविज़न में डिवाइड कर दिया जाता है और हर सब डिविज़न में होता है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कम से कम दस पुलिस स्टेशन और थाना होता है एक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के अंदर में और हर पुलिस इस्टेशन में एक सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैड कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल तो होते ही हैं डिस्ट्रिक्ट को पाँच से छः पार्ट में डिवाइड किया जाता है सब डिवीजन में और हर सब डिवीज़न का एक डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है जिसके अंदर में दस थाने होते हैं ठीक है बात और हर थाने का जो सोल इंचार्ज होता है वो होता है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और बेटा हर थाने में क्या मिलेगा आपको एक ऐसा ही मिलेगा सब इंस्पेक्टर मिलेगा है ना एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिलेगा हेड कांस्टेबल मिलेगा कांस्टेबल मिलेगा तो जो हमारी पुलिस होती है वो अपॉइंट कर देती है किसको चौकीदार को कहाँ पर विलेज में जिनका काम होता है कि वो क्राइम को डिटेक्ट करें क्या क्राइम हुआ उसका पता लगाएं, फिर जो कल्प्रिट है जो गुनहगार है कल्प्रिट मतलब जो गुनहगार है उसको अरेस्ट करें मतलब पकड़ लें द टेबल ऑन द लेफ्ट शोज द पुलिसर आर अब हम देखेंगे सबसे पहले कौन आता है तो पहले आता है एस पी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसके पास पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है फिर इस डिस्ट्रिक्ट के जो पांच टुकड़े होते हैं उन पांचों के अंदर होते हैं आपके डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तो पहले होगा एसपी एसपी को असिस्ट करेगा एट, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ तो पुलिस फिर आ जाएगा हर सब डिविजन जितने भी सब डिविजन है उनका इंचार्ज जिसको हम बोलते हैं डी फिर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आएगा जिसके अंदर में कितने थाने होंगे दस और हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर एक एडिशनल सब इंस्पेक्टर एक हेड कांस्टेबल एक कांस्टेबल होगा विलेजेस में कौन होंगे बच्चा चौकीदार अब पुलिस के लिए क्या गाइडलाइन है भाई हमारी पुलिस के लिए भी गाइडलाइन है पुलिस इज नॉट ओवर एंड अब द लॉ लॉ से बड़ी नहीं है लॉ के ऊपर नहीं है पुलिस भैया पुलिस के अपने काम है उतने करना है आपको लॉ के ऊपर नहीं जाना है दस इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ लैंड अच्छा जो, जो लॉ बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्टिगेशन करना है ठीक है जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं पुलिस स्टेट्स द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पुलिस स्टेट्स दर द पुलिस मस्ट अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जितने पुलिस के लिए लॉज बने हुए हैं उनको तो पुलिस को फॉलो करना ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको तो पुलिस को फॉलो करना ही है इसको बच्चा जो सिटीजन्स के राइट right हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं सिटीज़न राइट्स उसको भी रेस्पेक्ट करना है ठीक के बाद तो पुलिस कभी भी किसी भी कंडीशन में लॉ के अबो भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है तब मतलब एबोव मतलब ऊपर ओवर लॉ के हिसाब के से ही पुलिस को हमेशा चलना पड़ेगा वो जितना भी इन्वेस्टिगेशन करेगी वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही होगा जो कोड ऑफ कंडक्ट है पुलिस के वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा बस वही कर सकता है पुलिस वाला उसको लोगों के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वो राइट्स जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो इशूड सटन गाइडलाइन कुछ गाइडलाइन तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इशू की हैं ठीक है किसके लिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सम फंडामेंटल राइट्स बच्चा आजकल तो यूट्यूब तो में भी मिल जाते हैं रील्स में भी मिल जाते हैं हाई हाईकॉर्ट्स की वीडियो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हर बच्चे को हाई हाईकॉर्ट का वीडियो देखना है और उसमें तुमको देखना है भाई कि एक जज की पावर कितनी होती है एक जज के सामने हमारे जितने भी आई एस ऑफिसर हैं आई पी एस ऑफिसर हैं कुछ भी नहीं लगते हैं वो बंद करके खड़े होते हैं तो कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी है वो गाइडलाइन ये है कि जो टाइम है टाइम किस टाइम पे आप अरेस्ट हुए किस जगह पे आप अरेस्ट हुए और द वेन्यू ऑफ कस्टडी कहाँ पर आपको कस्टडी में ले जाया जा रहा है उस पर्सन को जो कि अक्ूज है जिसने कोई भी गुनाह किया है शुड बी नोटेड बाय द पुलिस ये सब नोट करेगी कौन पुलिस किस टाइम पे कहाँ से किस वेन्यू में उसको कस्टडी में रखा गया ये सब नोट करना पुलिस का काम इफ़ द रिलेटिव ऑफ अक्यूज अगर जो अक्यूज है जो गुनहगार है जिसने क्राइम किया है जो कल्प्रिट है अगर वो उस उस स्टेट उस पर्टिकुलर प्लेस में नहीं रहता है तो पुलिस को उसकी जो फैमिली या जो रिलेटिव्स हैं उनको लीगली इन्फॉर्म करना पड़ेगा जो तो भी लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन होगी कॉल करवा देंगे लेटर के थ्रू मेल के थ्रू मतलब जैसे भी लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो रिलेटिव्स को न्यूज़ पहुंचाएंगे कि हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जो कि आपका रिलेटिव है ठीक है ये तो इन्फॉर्म भले लोकली हो बाहर रहता हो पुलिस को करना ही पड़ेगा जो अक्यूज़ होगा शुड बी मेड अवेयर ऑफ हिस राइट्स इमिडिएटली आफ्टर द अरेस्ट बच्चा जो राइट्स हैं उस अक्यूज के वो उसे बताने पड़ेंगे मतलब जो पुलिस वाला है वो उसे बता सकता है कि तुम अपने वकील को फ़ोन कर सकते हो अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर सकते हो अरेस्ट के बाद से जो उसके राइट्स हैं बच्चा उसके बारे में उसको अवेयर करा दिया जाएगा अगर हम आर्टि, आर्टिकल ट्वेंटी टू की बात करें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल जो ट्वेंटी टू है वो गारंटी देता है कुछ सर्टिन राइट्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अगर आपका अरेस्ट हो गया है आपको डिटेन कर लिया है तो आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंदर आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं और वह हर पुलिस को फॉलो करने ही पड़ते हैं क्या है? यहाँ पर इनमें कोई प्रॉब्लम आई एक तो जो जिस टाइम आप अरेस्ट हुए जिस जगह से आप अरेस्ट हुए कहाँ पर आपको कस्टडी में रखा गया ये सब पुलिस नोट करेगी अगर आपका रिलेटिव उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहता है जहाँ पे आपको अरेस्ट किया गया है या आपके साथ में नहीं है तो उसको भी प्रॉपरली इन्फॉर्म करना पुलिस का कर काम है लोकली है तो वो करेगी जो अक्यूज़ होगा उसको तुरंत ही बता दिया जाएगा कि उसके राइट्स क्या क्या हैं और इसके बाद बच्चा जो आर्टिकल ट्वेंटी टू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसने हमें कुछ गारंटी दी है कुछ राइट्स सर्टेन राइट्स गारंटी किए हैं रिगार्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अगर आपका अरेस्ट होता है डिटेंशन होता है तो उसके अगेंस्ट में भी कुछ राइट्स गारंटी किए हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने फर्स्ट है राइट टू बी इंफॉर्म्ड ऑफ द रीज़न फॉर द अरेस्ट पहली बात तो आपने जिसको अरेस्ट किया उसको बताना पड़ेगा कि भाई किस रीज़न से मुझे अरेस्ट किया है तो राइट टू बी इन्फॉर्म अगर मुझे गिरफ़्तार कर रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं भाई और मेरे पास ये पूरा राइट है कि मैं अपने लीगल प्रैक्टिशनर मतलब अपने लॉयर को इन्फॉर्म कर पाऊँ उसे कॉल कर पाऊँ उसे बता पाऊँ तो पहला कि मुझे इन्फॉर्मेशन दो आप पूरा बताओ कि मुझे क्यों गिरफ़्तार किया है दूसरा मैं अपने लॉयर को बुला सकती हूँ जो मुझे डिफेंड करेगा द राइट टू बी डिफेंडेंड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ इस चॉइस मेरी चॉइस का लीगल प्रैक्टिशनर मुझे मिलेगा राइट टू बी प्रोड्यूज बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ अरेस्ट जब मेरा अरेस्ट हुआ हो उसके विद इन ट्वेंटी फोर आवर आपको मुझे मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा द राइट टू बी प्रोड्यूज बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन अ ट्वेंटी फोर आवर ऑफ़ अरेस्ट तो बच्चा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि लोग अवॉइड करते हैं पुलिस को कि पुलिस से कुछ नहीं हो पाएगा आप पुलिस के पास जाना बेवकूफ़ी है और अगर आप डेंजर में होंगे तो आप क्या करेंगे पुलिस को कॉल करेंगे कि अवॉइड करेंगी तो बच्चा मैं तो पुलिस को कॉल करूँगी है ना क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस किसी भी मैटर को प्रॉपरली सॉल्व कर सकती है हमें डेंजर से बचा सकती है और कुछ लोग अवॉइड करते हैं पुलिस स्टेशन जाना या पुलिस को तो उसका वजह यही है कि कई बार हमने देखा कुछ केसेस में कि पुलिस अननेसेसरी परेशान करती है हरास करती है लोगों को तो पुलिस को भी वो बंद कर देना चाहिए और बच्चा हर चीज़ एक जैसी नहीं होती तो कुछ हर पुलिस स्टेशन में सारी नहीं आपको ऐसे इंस्पेक्टर मिलेंगे कुछ अच्छे भी होंगे तो इसलिए आपको लॉ के अकॉर्डिंग ही चलना है है ना फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है एफ आई आर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसे ही हम एफ आई आर बोलते हैं इज़ द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी वो जो ऑफिसर पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी पे था उसने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है फर्स्ट टाइम में उस केस के रिगार्ड में उसे ही हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं बेटा ये कौन लॉन्च uh, करवाता है एफ आई आर वो एग्राइड वो परेशान व्यक्ति जिसके साथ कुछ बुरा हुआ होता है जैसे मेरा पर्स चोरी हो गया या मेरे घर में चोरी हो गई तो मैं वो एग राइड पर्सन मैं डिटेलिंग दूंगी किसकी करेंस ऑफ क्राइम की कैसा ऐसा ऐसा हुआ मैं इस टाइम गई थी मैं इस टाइम आई मैंने ये ये देखा तो इट इज़ लॉस्ड बाय इसको लॉन्च करने वाला कौन होता है एग्राइड जो डिटेलिंग देता है क्राइम कैसे हुआ मतलब कैसे हुआ कब हुआ उसने कितना देखा कितना नहीं देखा सब कुछ ऑन द बेसिस ऑफ एफ आई आर और ये एफ आई आर ही होती है बच्चा जिसके बेसिस पे जो हमारे पुलिस होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन बिगिन करते हैं तो ऑन वॉट बेसिस पुलिस बिगिन इन्वेस्टिगेशन इट इज़ एफ आई आर नाउ वेयर टू फाइल एफ आई आर आप एफ आई आर कहाँ पर फाइल कर सकते हैं एफ आई आर पुलिस स्टेशन जो भी जिस भी कंसर्न एरिया में आप रहते हैं उस कंसर्न एरिया का जो पुलिस स्टेशन है आप वहाँ पर एफ़ आई आर फिल कर सकते हैं अंडर हुज जूरडिक्शन द ऑफेंस एज़ अकर्ड ठीक है वो पुलिस स्टेशन जिसके एरिया में जैसे ये पुलिस स्टेशन है तो इसके एरिया में इसका जूरडिक्शन हर पुलिस स्टेशन का एक जूडिक्शन एरिया होता है बट ऐसा तो नहीं कि कहीं की भी पुलिस कहीं पे भी देखने लग जाएगी तो इन्वेस्टिगेशन कन्वीनियंस के पर्पज़ से हमने जो एरिया है उसको डिवाइड कर दिया है तो हर पुलिस स्टेशन का एक लिमिटेड एरिया होता है तो उस लिमिटेड एरिया में ही आपको क्या करनी पड़ेगी uh, उस लिमिटेड एरिया में नहीं उस एरिया में जहाँ पर भी क्राइम हुआ है यहाँ पर हुआ तो इस पुलिस स्टेशन में जाओ यहाँ पर हुआ होगा तो हम इस पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो जिस भी जुरडिक्शन एरिया में क्राइम हुआ जिस भी एरिया में क्राइम हुआ होगा वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाएंगे है ना और अपनी एफ लिखा देंगे इट मस्ट बी फाइल विथ द ऑफिसर चार्ज जो भी वहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज होगा वो उसको लिखेगा फाइल करेगा विथ एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर किसके साथ देखो जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा वो लिख देगा और विथ एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ठीक है कोई भी कर सकता है इस काम को कोई भी मतलब मैं और तुम जाके वहाँ एफ आई आर नहीं लिख सकते बेटा इट्स रॉन्ग आई एम नॉट गोइंग टू राइट एफ आई आर इवन यू आर नॉट गोइंग टू राइट एफ आई आर ओनली द ऑफिसर इंचार्ज और विथ एन सब इंस्पेक्टर दे के हाउ टू फाइल एन एफ आई आर एफ आई आर कैसे फाइल की जाती है देखो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है एफ फाइल करने का पहला द इनफॉर्मेंट मीथ द ऑफिसर इन चार्ज एट द पुलिस स्टेशन जो इन्फॉर्मेंट होगा जो इन्फॉर्मेशन देने वाला होगा या तो वह अग्राइड पर्सन भी हो सकता है वो ऑफिस इंचार्ज से मिलेगा पुलिस स्टेशन में आके उनसे मिलेगा नैरेट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट मैं छः बजे पिक्चर देखने गई वहाँ से वापस आई मैंने ये ये देखा तो मैं उस पूरे सीक्वेंस को नरेट करूँगी जो ऑफिसर होगा वो पूरे सीक्वेंस को जो कंप्लेनेंट ने बोला है उसको लिख लेगा एंड इट इज़ साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट और उसके ऊपर साइन कौन कर देगा बच्चा इन्फॉर्मेंट बता जैसे मैंने लिखवाएंगे तो मैं यहाँ साइन कर दूँगी मैं इतने बजे मूवी गई मैं मूवी से आई मैंने घर में ये देखा मैंने ये देखा ये सारी बातें बता दी और अपना साइन कर दिया ठीक है और ऑफिसर सब चीज़ें लिख लेगा द इन्फॉर्मेशन गिव इज देन रजिस्टर एक रजिस्टर होता है उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिख ली जाएगी रजिस्टर नहीं जो भी उनकी फाइल है बुक में उसमें लिख ली जाएगी टू तो भी बाय द ऑफिसर और उसको कौन रख लेगा ऑफिसर हमारे सिग्नेचर उसमें हैं उसको रखने वाला है ऑफ़िसर और उसमें जो जो भी हमने देखा वो हमने सब लिखवा दिया एक कॉपी जो एफ की है वो इन्फॉर्मेंट को भी मिलनी चाहिए तो आप हमेशा ध्यान रखें जब भी एफ आई आर कराएं अपनी कॉपी जरूर ले लें इससे क्या होगा चेंजेस के कोई चांसेस नहीं रहते जो भी एफ होगी उसमें बच्चा ये डिटेल जरूर होगी पहला डेट ठीक है द डेट एंड टाइम अप्रॉक्सीट आवर वेन द क्राइम वॉज कमिटेड एंड रिपोर्टेड देखो किस दिन वो क्राइम हुआ किस समय पे ये क्राइम हुआ ये आपको लिखना पड़ेगा ठीक है बात द डेट एंड अप्रोक्सीमेट आवर अगर आपको एग्जैक्ट exactly बिल्कुल याद नहीं है कि कब हुआ तो आप डेट तो वही लिखवाएं अप्रोक्सीमेट आवर लिखवा दें कि इन तीन घंटों में हुआ इन दो घंटों में हुआ चार से छः के बीच में हुआ द प्लेस वेयर इट इज़ अकर्ड किस जगह पे हुआ कंप्लेनेंट का नेम एंड एड्रेस द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सस्पेक्ट इफ एनी अगर किसी पे वो पुलिस वाले पूछते हैं ना क्राइम पेट्रोल में पूछते हैं सावधानी में पूछते हैं आपको किसी पे शक है क्या तो वो व्यक्तियों के नाम जिन पे हमें शक होता है उनका एड्रेस हम लिखवाएंगे फिर हम अपना नाम और अपना एड्रेस लिखवाएंगे क्योंकि हमने कंप्लेट लॉन्च की है डिस्क्रिप्शन ऑफ क्राइम क्राइम में क्या क्या हुआ है वो लिखवाएंगे अगर चोरी हुई है तो आपकी जो प्रॉपर्टी स्टोलन हुई है जैसे कि मेरा एक हार था इतना सुंदर सा वो चोरी हुआ है तो मैं उसकी रिपोर्ट लिखूँगी कि हर इस, इस डिज़ाइन का था ये चोरी हो गया दो तीन मेरे बैंगल भी चोरी हो गए हैं है ना तो ये सब आपको लिखवाना पड़ेगा द सेक्शन ऑफ द लॉ विच अप्लाइज टू द ऑफेंस और फिर बच्चा उस एफ आई आर पे वो सेक्शन भी लिखा होगा कौन सा सेक्शन सेक्शन ऑफ द लॉ जो कि उस ऑफेंस पे अप्लाई होगा अब देखो बेटा रेप पे अलग लॉ लाग लगेगा रॉबरी पर अलग लगेगा है ना और अगर नॉर्मली किसी ने मारा पीटी की है तो उस पर अलग होगा अब बेटा आपको क्या करना है अगर कोई ऑफिसर मना कर दे कि मैं आपकी एफ़ नहीं लिखूँगा ऐसे बहुत बार होता है सावधान इंडिया में बहुत सारी मूवीज़ में कि पुलिस वाला हमारी कंप्लेंट लिखने को तैयार नहीं होता तो जब भी कोई ऑफिस इंचार्ज आपकी एफआईआर को फाइल करने से मना कर दे है ना तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन राइटिंग में किसको सेंड कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अगर सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस कन्विंस हो जाता है कि ये इंफॉर्मेशन सही है ठीक है तो वो खुद से तो वो या तो खुद से जाएगा या अपने सब ऑर्डिनेट्स को पहुँचाएगा मतलब किसी ना किसी को तो वो वहाँ पर पहुँचा ही देगा फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्या क्राइम ठीक बात तो अगर कोई पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट नहीं लिखे तो घबराए नहीं सुप्रिंटेंडेंट पुलिस को लिख दें दें पोस्ट कर दे। अगर पुलिस आपकी बात से हो जाता है तो वो या तो खुद डील करेगा इस मैटर को या किसी को कॉल कर देगा या अपने जूनियर्स को भेज देगा उसे बॉडी को भेज देगा ठीक है अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है रिगार्डिंग एफ आई आर डायरेक्टिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एफ आई आर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए है रिगार्डिंग एफ आई आर एन एफ आई आर मस्ट बी फाइल्ड एज सून एज ऑफेंस इज रिसीव्ड एफ आई आर को फाइल करने में आपको दो चार दस दिन नहीं लगाने तुरंत जैसे ही कंप्लेनेंट आपके पास आया कंप्लेनेंट आपके पास आया आपको एज सुन एज जैसे ही ऑफेंस होगा ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रिसीव होगी आपको वैसे ही एफ आई आर लिख लेनी है You 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 need to write your you need to to write write FIR, FIR as as soon as you got the information about the crime, ठीक है तो अच्छा क्या बात समझ में आ गई एक एफ आई आर जल्दी से जल्दी फाइल होनी चाहिए जब आपको इंफॉर्मेशन रिसीव हुई हो, हो कि ये ऑफेंस ये क्राइम यहाँ पर हो चुका हो तो तुरंत ही आपको लिखना है अपना क्राइम इन्वेस्टिक... मतलब अपना क्या क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के पहले जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर होता है वो एक इनफेरेंसिक अनुमान एक, एक निष्कर्ष निकाल लेता है एफ आई आर के फैक्ट्स जो एफ आई आर में, जो में इंचने उनको देखे कि ऑफेंस कहाँ हुआ होगा कैसे हुआ होगा एक किसका इन्फेरेंस रहता है ठीक है कि एक अनुमान हमारा पुलिस वाला लगाएगा जो एफ आई आर है कैन बी रजिस्टर्ड एट द पुलिस स्टेशन इवन इफ सीन ऑफ क्राइम डज नॉट फॉल इन टेरिटरी टेरिटोरी जो अगर कोई क्राइम यहाँ पर हुआ है इस पुलिस स्टेशन के अंदर और हम यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है आज गवर्नमेंट ने इसको भी पॉसिबल कर दिया है कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं पर जाएँ सपोज करो मैं बनारस घूमने गई हूँ कहाँ गई हूँ बनारस अब मेरा जो लगेज है या जो मेरी गोल्ड चेन है वो यहाँ पर चोरी हुई ठीक है बनारस अब मैं वहाँ से तो घर वापस आ गई क्योंकि मेरे पास बच्चे थे फैमिली थी तो मैं इटार सी गई वापस अब मुझे बताओ क्या मैं कम्प्लेंट वहाँ करने जाऊँगी मैं तो यहीं पर कम्प्लेट करूँगी और फिर ये लोग इनको कांटेक्ट करेंगे और फिर पूरा वो लोग मैटर सॉल्व करेंगे है ना तो आजकल ऐसा पॉसिबल हो गया नहीं तो पहले मुझे वहीं बनारस में रुकना पड़ता वहीं पर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन मतलब एफ़ आई आर लिखवाती और वहीं पर सारा जोडिक्शन होता है पर अब गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस के बाद मैं यहाँ से भी कम्प्लेंट लॉन्च कर सकती हूँ ऐसा प्रोविजन बना दिया है जो एक एफ आई आर है वो रजिस्टर होती है पुलिस स्टेशन में इवन ये फिर भी कब जब जो सीन है क्राइम का उसके टेरिटोरियल जो एडिक्शन में ना आए तब भी वो हमारी एफ आई आर लिखेगा हाउ एवर द एफ आई आर शुड बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन एज सुन एज पॉसिबल फिर जो इटारसी में मैंने जो एफ आई आर लिखवाई थी वो किसको फॉरवर्ड हो जाएगी बेटा वो फॉरवर्ड हो जाएगी बनारस आई बात समझ में तो जो एफ आई आर है कितनी बार हम उनके उन पुलिस स्टेशन में लिखवा सकते हैं एक्चुअली में जहाँ पर क्राइम हुआ ही नहीं है जिनके जुरिडिक्शन में वो क्राइम जब जो एरिया आता है उसमें वो पुलिस स्टेशन के एरिया में क्राइम हुआ ही नहीं है फिर भी हम लिखवा सकते हैं और जल्दी से जल्दी जहाँ पर लिखवाया है हमने वो हमारी एफ आई आर को फॉरवर्ड करेंगे वहाँ पर जहाँ पर क्राइम हुआ है न प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एक जो बेटा कोर्ट होता है वो खुद से डिसीजन नहीं लेता है अच्छा मन की शांति मन की शक्ति से डिसीजन ले लिया ऐसा नहीं होता अ कोर्ट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन वो अपने हिसाब से एक्ट नहीं करता ओनली इफ अ विक्टिम मेक्स अपी, एन अपील जब विक्टिम अपील करेगा कोर्ट के सामने कैन द कोर्ट एक्ट तभी कोर्ट एक्ट करेगा जब आपके साथ कितना भी बुरा हो रहा कि आपके घर में चोरी हो गई हो जो भी कुछ है जब तक आप कंप्लेट नहीं करोगे कोर्ट में कोर्ट खुद से कुछ नहीं करेगा शांत बैठा रहेगा जो क्रिमिनल केसेस और जो सिविल केसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं बच्चा सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस डिफरेंट होते हैं अगर हम डाइवोर्स की बात करें कई की बात करें डायवर्स तलाक की बात करें या एडोपशन की बात करें मतलब बच्चे को गोद लेने की बात करें तो ये तो सिविल केसेस हो गए ना बेटा क्रिमिनल केसेस में आएगा मर्डर थेफ्ट ये क्रिमिनल केसेस में आएंगे तो क्रिमिनल केसेस और सिविल um, केसेस बहुत डिफरेंट हैं फॉर एग्जाम्पल इन मैटर्स ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो फैमिली डिस्प्यूट हो तो यहाँ पर जो पार्टी इन्वॉल्व हुई होंगी वो कोर्ट को अप्रोच करेंगी कोर्ट उनके मैटर को सेटल करेगा ठीक है कौन सा कोर्ट सिविल कोर्ट तो भाई क्रिमिनल केसेस नहीं हमारे सिविल केसेस में तो आसान है ठीक है आप क्रिमिनल केसेस की बात करें क्रिमिनल केसेस में क्या होता है जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वहाँ पर फॉलोइंग प्रोसीजर अडॉप्ट होगा पहले जो एग्राइव्ड होगा वो एफ आई आर फाइल करेगा और फिर एक बार एफ आई आर फाइल हो गई तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देंगे तो सिविल केसेस में क्या होता है बच्चा फैमिली के लेके डिस्प्यूट हो डाइवॉर्स हो अडोप्शन हो या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो तो इनमें जो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है कोर्ट जा सकती है और कोर्ट इनके मैटर को सॉल्व करेगा पर अगर कोई क्रिमिनल केस हुआ है तो पहले एफ आई आर हो ही होगी क्या होगी एफ आई आर फिर जैसे एफ आई आर फाइल होगी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा ये पहले एग्जामाइन करेंगे क्राइम सीन को क्वेश्चन करेंगे विटनेसेस से पहले क्राइम सीन पे जाएंगे वहाँ से सबूत ढूंढेंगे फिर जो आसपास में लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे उनसे क्वेश्चन पूछेंगे रिकॉर्ड करेंगे उनके स्टेटमेंट को अ सर्च एंड कलेक्ट एविडेंसेस सर्च करेंगे वहाँ पर एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे फिर वो बाल हो सीमन के ट्रेसेस हों या ही तो कुछ भी हो सकता है मतलब जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पर कोई क्राइम हुआ है ठीक है वो जैसे कोई जगह बाल मिल जाते हैं फिर बालों का डी वगैरह करते हैं ना वैसे इट ऑल्सो इंटोग्रेट द सस्पेक्ट और वो जितने भी सस्पेक्टेड लोग होते हैं उनको भी इंटोरोगेट कर सकते हैं इवन दे कैन अरेस्ट द सस्पेक्टेड पीपल इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होता है अगर पुलिस को सफिशेंट एविडेंस मिल जाए अगेंस्ट द एक्यूज एक्यूज के अगेंस्ट में तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है देन द पुलिस फाइल अच्छा चार्ज इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट अगर उस व्यक्ति के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई और पता चल गया इसी ने क्राइम किया होगा तो पुलिस एक चार्जशीट फ़ाइल कर देती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में अब एक बार चार्जशीट फाइल हो गई फिर क्या होगा आफ्टर द चार्जशीट हैज़ बीन फाइल द ट्रायल बिगिन ट्रायल बिगिन हो जाएगा जो अक्यूज होगा उसने अपॉर्चुनिटी दी उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए वो एक लॉयर को हायर कर सकता है जिसको भी वो चाहे वो उसको हायर कर ले ठीक है और बेटा जैसे मैंने किसी का मर्डर किया है, है ना मैंने रश्मि मैम ने किसी का मर्डर कर दिया है तो मेरा जो लॉयर होगा रश्मि मैम का जो लॉयर होगा वो डिफेंस का लॉयर कहलाएगा क्या करवाएगा डिफेंस का लॉयर क्योंकि वो मेरे डिफेंस के लिए आया है आई बात समझ में तो जो कल्प्रिट होता है अग वो अब कल्प्रेट है कि नहीं है वो तो कोर्ट साबित करेगा ना पर जो कल्प्रिट है जो गुनागार है वो जिसके अगेंस्ट में क्राइम की रिपोर्टिंग हुई है कि भाई इसने मुझे मारा है इसने मुझे पीटा है या इसने मुझे मेरा मर्डर करने की कोशिश की है तो अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि वही है कि नहीं तो मैं अभी प्रूफ नहीं हुआ कि मैंने मर्डर किया है कि नहीं किया है ना तो मैं अपनी लॉयर को बुला सकती हूँ वो जो मेरा लॉयर होगा उसे डिफेंस का लॉयर कहेंगे जो लॉयर है जो कंप्लेनेंट के केस को जैसे मेरी बहन बोले मेरी बहन रोशनी बोले कि दीदी ने ऐसे ऐसे किया है तो वो क्या हो गया कंप्लेनेंट कम्प्लैनेंट की साइड से आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उसके लॉयर को डिफेंस का लॉयर बोलेंगे और जो एलिगेशंस लगा रहा है उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेंगे आई होप इतना कहानी सुनाने के बाद तो समझ में आया होगा इंडिया में जो पर्सन है वो बहुत ही इंडिया में लोगों को तब तक हम इनोसेंट मान लेते हैं जब तक उसके अगेंस्ट में कुछ भी कोर्ट में प्रूफ नहीं हो जाए आप तब तक इनोसेंट हैं बच्चा हाँ तब तक कोर्ट में आपके अगेंस्ट में कुछ प्रूफ ना हो जाए इफ द कोर्ट फाइंड द एूज गिल्टी अगर कोर्ट को पता चल गया जो अक्यूज़ था गिल्टी है तो कोर्ट उसे पनिशमेंट दे देगी अब जो क्वांटम होगा पनिशमेंट का वो डिपेंड करेगा कि उसने क्राइम कितना बड़ा किया है उसने मर्डर किया है उसने रेप किया है या उसने सिर्फ नॉर्मली किसी को बीट किया है इन तीनों में से क्या किया है उस और भी केसेस होंगे बहुत सारे फोर ट्वेंटी भी आता है ना चार सौ बीस का केस जो होता है चोरी वोरी कर लेना इसमें से जो भी क्राइम किया होगा उसकी सवनिटी को देखे हुए कि वो कितना गहन अपराध है उसके हिसाब से उसको सजा मिल जाएगी कोर्ट अगर फाइन कर ले कि जो गिल्टी जो अक्यूज है वो गिल्टी है तो उसे पनिशमेंट देगा पनिशमेंट कैसी होगी ये उसकी के ऊपर डिपेंड करेगा अब डिफेंस लॉयर का क्या काम होता है बेटा जो डिफेंस का लॉयर होता है वो अक्यूज अपॉइंट करता है वो अक्यूज के केस को प्रेजेंट करता है जो डिफेंस लॉयर होता है वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है विटनेसेस को कोर्ट के एंड ऑल्सो आज कोर्ट टू समन विटनेसेस और वो फिटनेसेस को कोर्ट में बुलाने की परमिशन भी मांग सकता है आई बात समझ में तो जो डिफेंस का लॉयर होगा वो क्रॉस एग्जामिन करेगा फिटनेसेस को वो कोर्ट में बोल सकता है कि भाई मुझे इस व्यक्ति को बुलाइए मुझे इससे बात करनी है है ना तो वो क्रॉस चेक भी कर सकता है और वो कॉल भी मतलब बुला लेगा और फिर आपसे बातचीत करेगा कहाँ पर कोर्ट में है ना क्रॉस एग्जामिन करना और ऊपर से कोर्ट में बुला लेना किसी व्यक्ति को ये बताने के लिए कि आप गिल्टी हैं कि नहीं हैं किसका काम है डिफेंस लॉयर का और आपको बुलाएगा तो वो आप, आपका वकील अलग है उसका वकील अलग होगा है ना तो वो आप अपने वकील को बता दें कि भाई मैंने इसको ऐसे ऐसे ठीक देख लिया है आप देख लेना आप फिर से एक बार जो डिफ़ेंस का लॉयर होता है उसको अक्यूज अपॉइंट करता है और वो अक्यूज़ की साइड से प्रेजेंटेशन देता है जो डिफेंस का लॉयर होता है बेटा वो क्रॉस एग्जामिन कर सकता है विटनेसेस को जितने भी गवाह हैं उनको क्रॉस एग्जामिन करेगा एविडेंसेस को क्रॉस एग्जामिन करेगा फिर वो कोर्ट में किसी भी विटनेस को बुला सकता है उससे क्वेश्चन पूछ सकता है अपनी साइड से भी किसी विटनेस को ला सकते हैं जो प्रूव कर दे कि भैया ये पर्सन गिल्टी नहीं है ठीक है दर एक्यूज इज़ गिवन फुल अपॉर्चुनिटी इसलिए एक्यूज को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने आप को डिफेंड करे विथ अ फेयर थ्रू अ फेयर डी द जजेस पाज एन इम्पारशल जजमेंट बच्चा हमेशा जो हमारी कंट्री के जज हैं वो इम्पारशल जजमेंट ही देते हैं पारशलिटी नहीं करते हैं ओनली आफ्टर हयरिंग बहुत द साइड्स दोनों साइडों को सुनेंगे लॉयर्स को सुनेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में जो पॉइंट्स निकल के आएंगे उनको देखेंगे और फिर सजा देते हैं फिर मतलब जो हमारे जजेज हैं वो इम्पारशली रिएक्ट करते हैं अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल क्या होता है बेटा इसको अपॉइंट करने, करने वाला होता है एक्यूज इसको अपॉइंट करने वाला होता है कम्प्लेंट ठीक है बात द पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रजेंट द केस ऑफ कंप्लेंट कंप्लेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसका लेके आएगा का इसको स्टेट अपॉइंट करता है कौन अपॉइंट करता है स्टेट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट ऑल द फैक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है कि वो सारे फैक्ट को प्रेजेंट कर दे एविडेंसेस विटनेसेस के साथ कोर्ट के सामने अगर वो गिल्टी पाई जाती है तो सो स्टूडेंट आडियो हेयर ओनली फिफ एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कॉमेंट सेक्शन